तारीख थी 2 अक्टूबर 1969 और दिन था शनिवार। गुजरात के पोरबंदर में चूने से पूते एक घर में मोनिया का जन्म हुआ। ये मोनिया और कोई नहीं काबा गांधी और पुतली बाई के छोटे बेटे थे, जो आगे चलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम गांधी जी के उन 6 फैसलों पर चर्चा करेंगे जिन्हें लेकर आज भी विवाद बना रहता है। उन 6 विवादों में सबसे पहला है पटेल जी की जगह नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरा जोर लगा देना। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाना था। ये चुनाव इसीलिए सबसे अहम था क्योंकि भारत की आने वाली अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष को ही बनाया जाना तय किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। गांधी जी की इच्छा के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए नेहरू जी का नाम भी प्रस्तावित में रखा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में 2 नाम थे, पहला नेहरू और दूसरा पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लेते। कृपलानी ने पटेल के नाम वापस की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। पटेल ने कागज पर दस्तखत नहीं किए और अर्जी गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने उसे नेहरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? मगर नेहरू यहाँ चुप रहे। फिर गांधी जी ने ये कागज वापस पटेल की तरफ घुमाया और पटेल ने इस बार इसमें दस्तखत कर दिए। फौरन ही कृपलानी ने नेहरू के निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी। उस समय के बड़े पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमर्स नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी की बलिदान कर दिया। उस समय के बड़े पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमर्स नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। गांधी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेहरू कभी भी दूसरे स्थान में आने की सहमति नहीं देंगे। दोनों सरकारी गाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल होंगे जिसमें अंतरराष्ट्रीय काम नेहरू संभालेंगे और राष्ट्र के काम पटेल संभालेंगे। गांधी ने एक मौके पर कहा था कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही हो उस समय भी कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। पटेल के उग्र तेवर और बढ़ती उम्र भी गांधी के इस रुख की वजह हो सकती थी। पटेल गांधी से केवल 6 साल छोटे थे जबकि नेहरू पटेल से करीब 15 साल छोटे थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब पटेल सिर्फ 71 साल के थे, वहीं नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपनी ऊर्जा से सभी को हैरान कर दिया, हालांकि तब तक गांधी के साथ उनके मतभेद सामने आने लगे थे। इसी माहौल में 1939 को त्रिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। इस पद के लिए महात्मा गांधी की पहली पसंद अब्दुल कलाम आजाद माने जा रहे थे। कलाम के मना करने के बाद गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया। सुभाष को 1580 वोट मिले और सीतारमैया को 1377 वोट। गांधी जी और पटेल के पूरे जोर लगाने के बाद भी वो नहीं जीत सके। गांधी जी ने इसे सार्वजनिक तौर पर अपनी हार माना और वह वर्किंग कमेटी से अलग हो गए। इसके बाद पटेल के साथ साथ और भी अन्य लोगों ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष के लिए अपने पद पर बने रहना बेहद मुश्किल हो गया। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद ने ले ली। बोस ने कांग्रेस के अंदर ही अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के रिसर्च जर्नल इतिहास में JP मिश्रा ने लिखा, बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद
कांग्रेस हाईकमान राजनीतिक तौर पर बोस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने का मन बना चुका था। हालांकि सुभाष अभी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जुलाई में उस पद से हटाकर उन्हें 3 बरस के लिए किसी अन्य पद के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी का मानना था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसमें विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी कानून, शिक्षा और संस्थानों का बहिष्कार करना था। असहयोग आंदोलन बहुत हद तक कामयाब हो ही रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद चौरी चौरा की घटना हो गई। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कस्बे में कुछ स्वयं सेवक ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिए पास के मुंडेरा बाजार को चुना। पुलिस कर्मियों ने इसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस गोलीबारी में 3 नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल उनसे नाराज हो गया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता हैरान थे कि गांधी जी ने संघर्ष को उस समय रोक दिया जब नागरिक प्रतिरोध में स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। उन्होंने इस घटना में शामिल लोगों को पुलिस के हवाले करने को कहा क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत बताते हैं कि असहयोग आंदोलन उस वक्त जीत की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने उसे वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये भटक रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि साल 1922 में ये आंदोलन इतना तेज था कि अंग्रेजों पर दबाव पड़ता और हमें तभी आजादी मिल जाती। असहयोग आंदोलन के वापसी ने कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों को अहिंसा के गांधीवादी रास्ते से दूर कर दिया था। इन क्रांतिकारियों में जोगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, मास्टर सूर्य सेन आदि शामिल थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके और मौके से ही गिरफ्तारी भी दी। भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध के साथ आजादी की आवाज दुनिया तक पहुंचाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई और तय तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। बात 20 अगस्त 1947 की है। 5 दिन पहले ही अस्तित्व में आई पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से साजिश रचना शुरू कर दी। योजना के मुताबिक 22 अक्टूबर को हथियारबंद काबिलियों ने मुजफ्फरबाद पर हमला कर दिया। 26 अक्टूबर तक हालात ऐसे हो गए कि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फौरन ही एयरलिफ्ट के जरिए कश्मीर पहुंची भारतीय सेना ने काबिलियों के साथ पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। इधर बंटवारे के दौरान ये तय हुआ था कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए पहली किश्त के नाम पर दी थी। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत में सरकार से लेकर सेना तक को पता था कि अगर बचे 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए जाए तो इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ युद्ध में करेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को बाकी दी जाने वाली राशि में रोक लगा दी। तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान को उसके हिस्से के पैसे दे देने चाहिए क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है।
महात्मा गांधी का भी मानना था कि भारत को समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने चाहिए, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी। कई लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने इसके लिए अनशन किया, हालांकि अनशन की बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। 13 जनवरी 1948 को गांधी ने प्रार्थना सभा में दोनों धर्मों के लोगों से बातचीत की, लेकिन उसमें कहीं भी 55 करोड़ रुपए का कोई भी जिक्र नहीं किया। 15 अगस्त को एक पत्रकार से बातचीत में भी उन्होंने 55 करोड़ का जिक्र नहीं किया। भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों में गांधी की ओर से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग का कोई जिक्र नहीं है। 1953 में पाकिस्तान ने भारत से फिर से वो पैसे देने की मांग की, लेकिन तब कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास भारत की करीब 600 करोड़ की संपत्ति है, वो पहले उसका भुगतान करे। पंजाब राज्य सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को जो पानी मिलता है उसका करीब 100 करोड़ का बिल पाकिस्तान पर बकाया है, अगर उसे पाकिस्तान चुकता करेगा तो भारत पैसे देगा। भारत ने पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने पर लगी 4.5 लाख की फीस भी अदा की थी। इन सभी कारणों की वजह से दोनों देशों के बीच में फिर कभी पैसों का लेन देन नहीं हुआ। तो ये था हमारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में छोटा सा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।